एम गोइंग टू पार्ट दस सवैये का तीसरा काव्यांश है मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहरोगी। यहाँ पे मैंने कल आपको शब्दार्थ लिखवा दिए थे मगर इसका अर्थ क्या है वो आज समझेंगे। बच्चे कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, ध्यान से सुनिएगा, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और गले में गुंज की माला पहनूंगी। क्लियर। सेकंड लाइन में कहती है ओड़ी पिताम्बर ले लकुटी बन गौधन ग्वारिन संग फिरूंगी। अब बोलती है मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। क्लियर। जैसे श्री कृष्ण गाय को चराते थे, अमनवीर पे अटेंशन हियर बेटा, जैसे श्री कृष्ण लाठी लेकर वन वन में घूमकर गायों को चराया करते थे उसी प्रकार एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं भी ऐसे ही गायों को चराने जाऊंगी। नेक्स्ट लाइन में बोलती है भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब यहाँ पे कहती है मेरे श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ मैं करने को तैयार हूं पर हे सखी या मुरली मुरली धर की अधरान धरोगी। सब कुछ वो काम करेगी जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता था या श्री कृष्ण उस काम को किया करते थे पर एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है हे सखी कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर रखा है। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान अधरोगी। मैं उस मुरली को कभी नहीं बजाऊंगी कभी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसी मुरली ने हमें श्री कृष्ण से अलग किया है। क्यों अलग किया है बेटा, कैसे अलग किया है? क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे तो सभी लोग मुग्ध हो जाते थे और कृष्ण जी इतने मग्न हो के मुरली बजाते थे कि उन्हें आगे पीछे का कुछ भी ना दिखाई देता था ना समझ आता था, केवल मुरली बजाने में ही वो व्यस्त रहते थे। तो ये था आपका थर्ड पैराग्राफ। इसमें से आप तीन क्वेश्चन लिखेंगे। बी रेडी। गोपी श्री कृष्ण का रूप, राइट डाउन, गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं? गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं? क्या क्या करने को तैयार थी बेटा? गोपी क्या क्या करने के लिए तैयार थी? गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए सिर पर मोर का पंख मुकुट रखने को तैयार थी, गले में गुंज की माला पहनने के लिए तैयार थी और क्या करने के लिए तैयार थी? पीला वस्त्र धारण करने के लिए तैयार थी और साथ में बताइए, यू शुड रिप्लाई फास्ट, जब आपको समझ आए तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। गाने के लिए भी तैयार थी। वेरी गुड बच्चा, कि वो गायों को चराने वाली लाठी धारण करने के लिए भी तैयार थी। शाबाश। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, गोपी श्री कृष्ण की मुरली, गोपी श्री कृष्ण की मुरली होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी? होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी? तो इसका जवाब होगा बेटा,
कि श्री कृष्ण मुरली से असीम प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे कृष्ण अपने मुरली से, और गोपियां सोचती हैं कि इसी मुरली के कारण वो श्री कृष्ण के समीप नहीं जा पाती हैं। श्री कृष्ण गोपियों को भूलकर मुरली को अपने होठों से लगाए रखते हैं, और इसीलिए इसी ईर्ष्या के कारण, ठीक है, इसी ईर्ष्या के कारण गोपियां श्री कृष्ण की मुरली मुरली को हाथ नहीं लगाना चाहती थी, ना उसे अपने होठों से लगाना चाहती थी। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, गोपी गोपी कृष्ण जैसा, गोपी कृष्ण जैसा क्यों दिखना चाहती है? बच्चे ये मैं सारे आपको कॉपी में लिखवा रही हूँ, और आपकी कॉपी एज इट इज, अब स्कूल खुलने वाला है, आपकी कॉपी चेकिंग होगी, सो प्लीज बी अटेंटिव एंड बी केयरफुल, कंप्लीट योर वर्क इन नोटबुक। गोपी कृष्ण जैसा क्यों दिखना चाहती है? क्यों दिखना चाहती है? क्योंकि गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, वह उनकी भक्ति करती हैं। क्लियर? उनकी भक्ति करती हैं। वह श्री कृष्ण का रूप धारण करके कृष्णमय हो जाना चाहती हैं, इसीलिए वो श्री कृष्ण जैसा दिखना चाहती हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ लास्ट पैराग्राफ, काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही कहो कितनो समझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, समहारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहले आप शब्दार्थ लिख लो इसका बेटा, फिर आगे चलते हैं। काननी, यहाँ पे काननी का अर्थ है कानों में, कानों में। अंगुरी का अर्थ है उंगली, अंगुरी का अर्थ है उंगली, और रहीमो का अर्थ है रहूंगी, रहूंगी, और यहाँ पे धुनी का अर्थ है धुन। धुनी का अर्थ है धुन। लिख लिया आपने? यस मैम। मंद, मंद का अर्थ है मधुर स्वर में, मंद का अर्थ है मधुर स्वर में, और बजेहे का अर्थ है बजाएंगे, बजेहे का अर्थ है बजाएंगे। मोहिनी आपको पता ही है, मोहन करने वाली, मोहित करने वाली। लिख लो इसका भी अर्थ, मोहिनी यहाँ पे है मोहित करने वाली, और तानन सौ का अर्थ है मोहर, मोहित करने वाली धुनों से, धुनों से। अटा का अर्थ है अटारी, अटारी, गेहे का अर्थ है गाएंगे, तेरी का अर्थ है पुकार कर बुलाना, पुकार कर बुलाना,
फिगरे का अर्थ है सारे, फिगरे का अर्थ है सारे, काल ही का अर्थ है कल ही, कल ही, समझेहे का अर्थ है समझाएंगे, समझेहे का अर्थ है समझाएंगे, मायरी का अर्थ है हे माँ, संहारी का अर्थ है संभाली, यहाँ पे न जेहे न जेहे न जेहे लिखा है ना, इसका अर्थ है नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। ठीक है, आप सबने लिख लिया होगा। चलो अब मैं बताती हूँ, यस मैम। फर्स्ट, वेरी गुड बच्चा। कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उसकी मुस्कान पर मोहित होते हुए एक गोपी कहती है कि जब जब श्री कृष्ण मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे गेहे ते गेहे। वो ये कह रही है, श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। ठीक है, काननी दे अंगुरी रही वो, यानी अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मैं उस धुन को सुन ही ना सकूं। ठीक है, फिर तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कौ कितनो समझे है। ऊंची ऊंची अटारी पर चढ़कर कृष्ण जब गीत गाएंगे, गोधन गाएंगे, तो गाते रहे, मैं उनसे बेअसर रहूंगी। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे ते गेहे, यानी ऊंची ऊंची अटारी अटारी पर चढ़कर यदि कृष्ण गोधन भी गाएंगे तो भी वो गाते रहे, मैं तो अपने कानों में उंगली डालकर उनसे बेअसर रहूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाले कहो कितनो समझाई है। अब कहती है यहाँ पे कि मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकती। अभी तो वो ये कह रही थी कि कृष्ण भगवान मुरली बजाते रहे, मैं तो अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, सुनूंगी, लेकिन दूसरी ओर ब्रज के लोगों को कहती है लेकिन अगर श्री कृष्ण ने एक बार भी मुस्कुरा दिया तो मैं अपना काबू अपने ऊपर नहीं रख पाऊंगी और दौड़ी श्री कृष्ण के पास चली जाऊंगी। बेटा श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि ब्रजवासी जितने भी थे, चाहे पशु थे, पक्षी थे, लोग थे, कोई भी श्री कृष्ण की मुस्कुराहट से या उनकी बंसुरी से दूर रह ही नहीं सकता था, सब भागे भागे उनके पास चले जाते थे। तो वही गोपी कह रही है कि अगर उन्होंने एक बार भी मुस्कुरा दिया तो मैं अपने पर काबू नहीं रख पाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। फिर कहते हैं मायरी या मुख की मुस्कानी समहारी, ना जेहे ना जेहे ना जेहे। अब वो कहता है, कहती है कि हे माँ, मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य ही चल जाएगा, और कितना भी मैं सोचूं कि मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मगर फिर भी कृष्ण की मुस्कान देखकर मैं दौड़ी हुई उनके पास चली जाऊंगी। इज इट क्लियर बच्चा, क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। ओके, वेरी नाइस बच्चा, थैंक यू। अब इसके तीन प्रश्न आप लिख लो बच्चे। श्री कृष्ण की अदाएं, श्री कृष्ण की अदाएं गोपी को किस मनोदशा में ले जाती हैं?
श्री कृष्ण की अदाएं गोपी को किस मनोदशा में ले जाती हैं? किस मनोदशा में ले जाती है बेटा? कि श्री कृष्ण जब मधुर स्वर में मुरली बजाते हैं और अटारी पर मधुर स्वर से गोधन गाते हैं, तब गोपी उन्हें सुनकर विवश हो जाती हैं, वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती और श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान देखकर गोपी उनके पास भागी चली जाती है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी स्वयं को कब नहीं संभाल पाती है और क्यों? कब नहीं संभाल पाती है और क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? गोपी श्री कृष्ण के मां जब वो मुस्कुराते हैं तब वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाते। वेरी गुड। जब वो मुस्कुराते हैं या मुरली की मधुर तान बजाते हैं, ठीक है, तब वो अपने आप को काबू नहीं रख पाती और उनकी मोहक मुस्कान वाला चेहरा देखकर वो दीवानी हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन लिखो बेटा। गोपी अपनी बात ब्रज के लोगों को क्यों सुना रही है? गोपी अपनी बात ब्रज के लोगों को क्यों सुना रही है? क्यों सुना रही है बेटा? क्योंकि गोपी ब्रज में रहती है, इसीलिए उसे ब्रज वालों से लोक लाज का भय भी तो है कि कौन क्या बात बोलेगा। जब उसे लोक लाज का भय है, फिर भी कृष्ण की मुस्कान देखकर अपने आप को ना संभाल पाने की असमर्थता की वजह से बेटा वो लोक लाज की परवाह किए बिना उनकी तरफ खींची चली जाती है और वह अपनी इसी असमर्थता को ब्रज के लोगों के सामने प्रकट करती है कि कोई मुझे दोष ना दे यदि मैं कृष्ण की बांसुरी सुनकर और उनकी मुस्कान देखकर उनके तरफ खींची चली जाऊं। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन बेटा? दिस चैप्टर इज क्लियर यस मैम एंड इट इज फिनिश्ड आल्सो।